primitive swimming pool. सिग्नापुर में सुखदेव कहकर एक कलाकार रहता था। वो खूबसूरत खिलौने तैयार करने में मशहूर था। उनका इकलौती बेटी थी रुक्मिणी। एक दिन सुखदेव उनकी पत्नी पद्मावती से, पद्मा जल्दी जाकर रुक्मिणी को तैयार करो, उनको देखने के लिए लड़के लोग आ रहे हैं। लड़का तो बहुत पढ़ा लिखा है, कोई भी बुरे आदतें नहीं है उनको, बहुत अच्छे परिवार वाले भी है, कहते बहुत धनवान भी है। ऐसे घर में जाकर रुक्मिणी तो बहुत सुकून से रहेगी। जाओ जाकर जल्दी तैयार करो। इसकी शादी के लिए अभी से क्या जल्दी है आपको? इतने अच्छे से पढ़ाई कर रही है वो, मुझे लगता है कि उसकी पढ़ाई बीच में रोककर शादी कर देना ठीक नहीं होगा। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ और आपसे शादी हो गई। एक बार पढ़ाई बीच में रुक गई तो वो कभी पूरी नहीं होगी जी। उसकी शादी के लिए अभी कोई जल्दी नहीं है जी, पढ़ाई पूरा करने के बाद ही करेंगे। अरे वो पगली, बच्ची को वो लोग ही पढ़ाएंगे कहकर वचन भी दिए। एकलौती बेटी होने के वजह से तुम तो बहुत डर रही हो। वो केवल तुम्हारी बेटी ही नहीं, मेरी भी बेटी है ना। उनकी ख्याल किए बिना मैं किसी रास्ते में जाने वाले के साथ देकर शादी कराऊंगा सोच रही हो क्या? जाओ जाकर रुक्मिणी को तैयार करो, कह रहा था। इतने में लड़के वालों का कार उधर उनके घर के सामने आकर रुका। उसमें से लड़का और उनका परिवार वाले उतरे। लड़का देखने में बहुत सुंदर था। उनको देखकर सुखदेव, देखो आ गए हैं वो लोग, लड़का कितना सुंदर है, देखो हमारे बेटी के लिए सही लगे। जाओ जाओ जाओ, तुरंत जाओ, जल्दी से बेटी को तैयार करके लेके आओ, कहकर उनको निमंत्रण करने के लिए उनके पास गया। आइए आइए आइए, ये हमारा एड्रेस इतना आसानी से मिल गया है क्या आपको? एक फोन किया तो मैं ही सेंटर तक आया होता है ना। क्यों भाई साहब, ऐसे दरवाजे पे ही खड़ा करके बातें करेंगे क्या? घर में बुलाकर लड़की नहीं दिखाएंगे या क्या? ये कोई आपके रीति रिवाज है, क्योंकि असल में गाँव में अजीब से रीति रिवाज होते हैं ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, आइए आइए अंदर आइए, कहकर अंदर लेके गया। वे जाकर एक सोफा में बैठ गए। पद्मावती, ओ पद्मावती, बेटी को लेकर आओ। तब पद्मावती उनकी बेटी रुक्मिणी को बहुत अच्छे से सजाकर लेकर आई। लड़की को देखते ही रत्नाबाई, बहु बड़ी सुंदर है, मुझे तो बहुत पसंद आई। क्यों रे, तुझे पसंद है कि नहीं? बाद में अगर पसंद नहीं है बोला तो अच्छा नहीं होगा। तब लड़का पंकज त्रिपाठी रुक्मिणी को देखकर, मुझे भी पसंद है माँ। भाई लड़के को तो लड़की पसंद है, अब लड़की से भी पूछ लो कि लड़का पसंद आया कि नहीं। क्यों बहू, मेरा बेटा पसंद आया तुम्हें? आओगी हमारे घर बहुरानी बनकर, अपने सोने जैसे हाथों से हमारे घर का दिया जलाओगी? तब रुक्मिणी शर्मा गई और अंदर चली गई। वो देखकर रत्नाबाई, बहुत खूब, लगता है लड़की को भी लड़का पसंद है, आखिर मेरा बेटा किसे पसंद नहीं आएगा। चलिए भाई साहब, अब बाकी की बातें भी कर लें। ठीक है बहन जी, मैं तो एक छोटा सा कलाकार हूँ, खिलौनों को सुंदर से बनाकर बेचकर जी रहा हूँ। मैं तो इस कला के ऊपर विश्वास किया लेकिन इतने पैसे नहीं कमा पाया, इसलिए जरा सोच समझ कर दहेज पूछिए। ये क्या बोल रहे हैं आप सुखदेव भाई साहब, हमने दहेज और भेंट थोड़ी ही मांगे हैं। मेरे बेटे ने कैंपस सिलेक्शन में बड़ा सा आईटी जॉब हासिल किया है, उसका सैलरी ही साल का 2 करोड़ तो होगा ही, और अगर बात आई संपत्ति की तो दादा परदादाओं की दी हुई जायदाद अरसों से पड़ी है। हमें आपके दहेज वहेज कुछ नहीं चाहिए, आपकी बेटी को ब्याह कर ऐसे ही भेज दीजिए, हम दुल्हन को ले जाएंगे। बहुत खुशी हुआ बहन जी, बहुत खुशी हुआ। सच में मैं तो बहुत डर गया था कि आप दहेज कितना पूछेंगे कहकर मेरा दिल का धड़कन बढ़ गया था, लेकिन आपका सच्चा मन इधर ही पता चल गया बहन जी, बहुत अच्छा है। मगर मेरी एक छोटी सी आशा है, मेरा बेटा जब कॉलेज में पढ़ रहा था तो वो स्विमिंग में स्टेट लेवल में अव्वल आया, उसके लिए एक सुंदर सा स्विमिंग पूल बना के दे दीजिए बस। जरूर बहन जी जरूर, मैं बनाता हूँ, आज तक आप नहीं देखे होंगे ऐसा पूल बनाता हूँ, कहकर वचन दिया। ठीक है तो हम चलते हैं, आप उस स्विमिंग पूल का काम शुरू करा दीजिए भाई साहब, कहकर चले गए। वे जाने के बाद पद्मावती, ये क्या जी, आपने उनको वचन दे दिया कि उन्हें स्विमिंग पूल बना के देंगे? ये क्या मामूली सी बात है? मार्केट में जमीन का रेट कितना है और हम उसे खरीद सकते हैं क्या? पद्मावती तुम टेंशन लेकर मुझे टेंशन मत दो, जंगल में हमारा एक खेत है ना, उधर मैं अकेला ही एक बढ़िया स्विमिंग पूल बनाकर मेरे दामाद को उपहार देता हूँ, उसके लिए इतना खर्चा नहीं होता है, खाली मेरा मेहनत के वजह। पापा मैं भी आपकी मदद करूंगी पापा। तब दोनों बाप बेटी मिलकर जंगल में जाकर उनके खेत में बहुत मेहनत करके एक बढ़िया सा स्विमिंग पूल को तैयार किए और उनको बहुत सुंदर से सजाए।
वो देखकर रुक्मिणी, पापा आपने इस स्विमिंग पूल को एक कलाकृति का रूप दिया है, इसके कोने कोने में आपके बेटी के प्रति आपका प्यार ही मुझे दिखाई दे रहा है पापा। तुम्हारा बाप तो एक अद्भुत कलाकार है, तुम्हारी माँ को ये पता नहीं है और मैं किसी काम का नहीं हूँ कहकर हमेशा गालियाँ देती रहती है। चलो लड़के वालों को फोन करके ये स्विमिंग पूल दिखाएंगे, अगर लड़के को कुछ चेंजेस चाहिए तो भी बना कर देंगे, कहकर उनको बुलाए। वे सब कार में उधर आए। वो सुंदर स्विमिंग पूल को देखकर खुश होकर, मामा जी ये स्विमिंग पूल तो बहुत सुंदर है, इतना बढ़िया स्विमिंग पूल बनाने के लिए तो बहुत खर्चा तो हुआ होगा ना। नहीं दामाद जी नहीं, मैं और मेरी बेटी मिलकर इधर जो भी मिला उनसे ही ये प्रिमिटिव स्विमिंग पूल को बनाए, हमारे हाथों का कला से और तुम्हारे ऊपर प्यार से ये स्विमिंग पूल इतना सुंदर बन गया है। तो फिर देर किस बात की, हमारे बेटे की शादी हम इसी स्विमिंग पूल के सामने करेंगे, तब इस पूल को भी शान और शौकत मिलेगा। कहकर उन दोनों का शादी उधर ही धूमधाम से मनाए, तब से वे खुशी से जीने लगे। गरीब की स्पोर्ट्स कार। गुज्जर नाम के गांव में प्रजापति नाम का एक कारपेंटर रहता था, उसके बेटे का नाम रोहित था। वो पढ़ाई के साथ साथ अपने पिताजी का भी हाथ बटाता था, किसी भी वस्तु का लकड़ी का रूप बनाने का काबिलियत रखता था। उसी गांव का धनवान मुकेश का बेटा था विमल। वो अपने पैसों का अकड़ दिखाने के लिए मार्केट में कोई भी नई कार आए तो उसे खरीद लेता था। इतना ही नहीं, बाप बेटे मिलकर गांव वालों को बहुत परेशान करते थे। एक दिन मार्केट में आए नए स्पोर्ट्स कार को खरीदकर विमल ने गांव वालों को बुलाया। गांव वालों से विमल, अरे गुज्जर गांव वालों, देखा मेरा नया स्पोर्ट्स कार? देख लो बेवकूफ लोगो, तुम लोगों ने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा होगा। इसे फॉरेन से इंपोर्ट किया है, केवल टैक्स ही इसका 1 करोड़ रुपए भरा है मैंने, पता है? बहुत बढ़िया है विमल बाबू, भाई आप ठहरे रहीस? यही तो मैं भी कह रहा हूँ, मैं जब सड़क पर अपने स्पोर्ट्स कार में आऊँ तो रास्ते में मुझे कोई दिखाई ना दे, क्योंकि इसके पुर्जे बहुत महंगे हैं। अगर गलती से कोई दिखाई दे तो मैं उसे अपने कार से कुचल दूंगा, बाद में मुझे ना कहना। अरे विमल बाबू ये तो बिल्कुल अन्याय है, अगर आपका कार सड़क पर आए तब हम कोई ना दिखाई दें तो हम अपना काम कैसे करेंगे विमल बाबू, हमें बहुत तकलीफ होगी। अरे तकलीफ हो या भीख मांगो, ये तुम लोगों की परेशानी है। देख लो इस गांव में सड़क पानी सबका इंतजाम मेरे दादा परदादा ने किया है, अगर किसी ने नाटक किया तो सब बंद हो जाएगा। पर तुम लोगों की रोनी सूरत देखकर एक बम्पर ऑफर देता हूँ, वो ये है कि ऐसा ही कार तुम अपने गांव में दिखाओ तो फिर तुम जैसे मर्जी घूम सकते हो। कहकर वहां से चला गया। फिर अगले दिन से विमल जानबूझकर अपनी गाड़ी को लाकर प्रजापति के दुकान के सामने रोकता और किसी को भी वहां से गुजरने नहीं देता। तब रोहित लोगों को परेशान देखकर उसने उस उड़न कार को देखा और वैसा ही कार बनाया और उसे ले जाकर गांव के सरपंच को दिखाया। अगले दिन विमल की गाड़ी को सड़क पर देखकर भी लोग आराम से जाने लगे। ये देखकर विमल, क्यों भाई लगता है तुम लोगों के तेवर बदल गए हैं, मेरी गाड़ी को देखकर भी तुम सड़क पर चल रहे हो। तब सरपंच अनीता वहाँ आई और, विमल बाबू इस गांव में कोई आपके बात को टाल सकता है क्या? आपकी गाड़ी की तरह ही रोहित ने एक और गाड़ी तैयार किया है, इसलिए लोग आराम से सड़क पर जा रहे हैं। ये सुनकर विमल ने जाकर रोहित के स्पोर्ट्स कार को देखा। फिर अनीता से, विमल तुम क्या बोल रही हो, ये तो केवल लकड़ी का कार है और मेरा स्पोर्ट्स कार है, इसे फौरन यहाँ से हटाओ। पर सरकार इसे यहाँ से हटाना मुश्किल है, पर वैसे भी आपका तो धनवानों का कार है और मेरी गरीब की स्पोर्ट्स कार है, आपकी गाड़ी लोगों को सड़क पर जाने नहीं देगी, मेरी कार सड़क पर लोगों को जाने से रोक नहीं पाएगी। ये सुनकर लोगों ने ताली बजाई। ये देखकर विमल, अच्छा तो तुम्हारे अब फैंस भी हैं? तुम समझते हो तुमने कोई तीर मार ली है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें कैसे रास्ते पर लाना है, कहकर वहां से चला गया। अगले दिन स्पोर्ट्स कार डीलर्स के साथ पुलिस को लेकर वहां आया विमल। तब स्पोर्ट्स कार डीलर, देखो रोहित बिना कंपनी के परमिशन के ऐसे स्पोर्ट्स कार बनाना गलत है, दोबारा ऐसा किया तो तुम्हें अरेस्ट करना होगा, कहकर उस लकड़ी के कार को लेकर चले गए। विमल फिर से लोगों को परेशान करने लगा, लोग हताश हो गए और रात को काम करते थे। कुछ समय बाद रोहित ने अपने आप कुछ और वुडन स्पोर्ट्स कार का डिजाइन तैयार किया और उन्हें कंपनी वालों को भेजा। उन डिजाइन को देखकर कंपनी वालों ने बहुत प्रशंसा की।
अगले दिन कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव रोहित के पास आया और रोहित यू आर ए जेम, हमारे कंपनी को ऐसे डिजाइन की कई सालों से तलाश थी, बहुत सारे इंजीनियर्स भी ऐसे डिजाइन बनाने में विफल हुए, तुम्हारा डिजाइन देखकर वो बहुत खुश हुए, देखो कार बनने के बाद उसके सेल्स में तुम्हें हिस्सा मिलेगा और तुम्हें एक बहुत बढ़िया कार भी मिलेगा, बोलो मंजूर है? सर ये मेरा सौभाग्य है कि आपको मेरा डिजाइन पसंद आया, इस डिजाइन के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, कारण ये है कि वो विमल हमारे गांव वालों को बहुत परेशान कर रहा है, इसलिए अगर आप बुरा ना माने तो वैसा ही कार क्या आप मुझे दिला सकेंगे? ये सुनकर लोगों ने ताली बजाई, तब कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव ओके कहकर चला गया। अगले दिन विमल जब अपना स्पोर्ट्स कार लाकर लोगों को परेशान कर रहा था, तब कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव एक और स्पोर्ट्स कार को लाकर रोहित को सौंपा, ये देखकर विमल हैरान हुआ। देखिए आज से ये सब गांव वालों का कार है, अगर विमल बाबू आकर हमें परेशान करें तो आप ये स्पोर्ट्स कार दिखाकर कहिए कि ये गरीब का स्पोर्ट्स कार है, ठीक है? ये सुनकर लोगों ने ताली बजाई, तब विमल शर्मिंदा हुआ और वहां से चला गया। तब से रोहित से डरकर विमल और उसके पिताजी ने गांव वालों को परेशान करना छोड़ दिया।